धार्मिक होना आध्यात्मिक होना हो सकता है, पर आध्यात्मिक होने का धार्मिक होने से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मतलब रिलीजियस होने से आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल होने के लिए आपको रिलीजियस होने की कोई ज़रूरत नहीं। नमस्ते है जी, मैं हूँ डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि रेकी एक विज्ञान है या सिर्फ एक स्पिरिचुअल मिथ है या सिर्फ स्पिरिचुअल मान्यता है, कि सिर्फ मान्यता के दम पे ही हम रेकी हीलिंग को करते हैं, या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है। अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है द व्हील ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हिंदी में इसे सिद्धि नाम दिया गया है, सिद्धि पाने का तरीका। तो मैं उसमें एक चीज़ समझ रहा था कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी विज्ञान का एक दूसरा पहलू है। जिस चीज़ को हम समझ लेते हैं, जिस चीज़ को हम जिसका जवाब खोज लेते हैं, जिसका लॉजिकल आंसर खोज लेते हैं, उसे हम विज्ञान का नाम दे देते हैं। और जिसका हम आंसर नहीं खोज पाए हैं, जिसका हम उत्तर नहीं खोज पाए हैं, जिसे हम सिर्फ मान के महसूस करके हम जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसे हम स्पिरिचुअलिटी का नाम देते हैं, उसे हम आध्यात्मिकता का नाम दे देते हैं। सीधी सी बात है कि हम हर चीज़ों में तथ्य खोजने की कोशिश करते हैं, लॉजिक खोजने की कोशिश करते हैं। 10 साल पहले तक किसी चीज़ में हमें लॉजिक नहीं मिला था, तो हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, आध्यात्मिकता के माध्यम से, हम सिर्फ मान्यता के दम पे हम उसे मानते थे और वो चीज़ पूरी होती थी। आज हमारे पास उसके लिए प्रॉपर थ्योरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ लव, ये सारे थ्योरीज हमने बनाई हैं। लेकिन ये थ्योरी अगर नहीं भी हो हमारी लाइफ में, तो भी ये सारे लॉ, सारे नियम हमारे जीवन में काम कर रहे थे। ये सब स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हमारे लाइफ में वैसे भी थे, सदियों से हम इसका फ़ायदा उठाते आ रहे हैं, बस हमने उसका लॉजिकल आंसर नहीं खोजा हुआ था। अब आते हैं रेकी पर। रेकी को हमने बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे लॉजिक और बहुत सारे तथ्यों के माध्यम से हमने समप किया है, उसे गुथा है एक माला में और उसे एक नाम दिया है रेकी। रेकी मतलब प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा मतलब इंग्लिश में लिविंग फोर्स, ये एक नाम है। लेकिन सोचने वाली बात है, रेकी का आविष्कार किसी ने नहीं किया है। हम जब बताते हैं कि रेकी के पहले गुरु ने रेकी को खोजा, खोजा मतलब जो चीज़ ऑलरेडी था उसे उन्होंने लाया, उन्होंने उसे पुनरुत्थान दिया। उससे पहले भी भगवान जीसस क्राइस्ट लोगों को हील कर रहे थे, गौतम बुद्ध लोगों को हील कर रहे थे, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं या साइकिक्स हैं जो लोगों को वैसे भी हील कर रहे, लोगों की लाइफ को वैसे भी हील कर रहे थे। रेकी सिर्फ एक अच्छा फॉर्मूला है, मतलब कि जो चीज़ वैसे भी हो रही है, इस एक ऐसा है कि जंगल में पेड़ उग रहे हैं, फल के भी पेड़ उग रहे हैं, फूल के भी पेड़ उग रहे हैं, बस उसको प्रॉपर मैनर में उनके बीजों को इकट्ठा करके हम खेती कर रहे हैं। जैसे कि हमने गेंदे की खेती की, जैसे हमने गुलाब की खेती की, जैसे हमने पाइनएप्पल की खेती की, जैसे हमने आम की खेती की। तो रेकी सिर्फ एक फॉर्मूला है, एक वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है, जिससे हम जो चीज़ ऑलरेडी है उसको सही तरीके से, आसान तरीके से, फॉर्मूला वाइज ला करके हम रेकी के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी को, परिस्थितियों को, समय को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपने विचार को, आने वाले समय को, बीते हुए समय को, अपनी गिल्ट को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने आसपास के जीव जंतुओं को, अपने आसपास की चीज़ों को, हमारे होने वाले माहौल को, हमारे बीत चुके हमारे समस्याओं को, हमारे आने वाली ज़िंदगी की सोच को, हमारे आसपास के माहौल को, हर चीज़ को हम हील कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर फॉर्मूला पता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रेकी हीलिंग के जो सारे सिंबल्स हैं वो एक टूल हैं, उसके बगैर भी हीलिंग होगी। टूल जैसे कि एक पाना, एक पेंचिस, एक पेचकस, एक स्क्रू ड्राइवर, उसके हमने कोई नट को खोलते, कोई पुर्जे को खोलते, कोई मशीन को खोलते, लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि वो पाना, वो पेंचिस नहीं होगा तो वो नट नहीं खुलेगा, वो मशीन नहीं खुलेगा। वो किसी और तरीके से भी खोला जा सकता है, हज़ारों तरीके हो सकते हैं। सिर्फ आप अपने हाथ के दम से भी उसे खोल सकते हैं, अपनी पूरी क्षमता लगा करके, पूरा धैर्य, पूरी साहस, पूरी ऊर्जा, पूरा फोकस लगाएं। तो टूल्स चीज़ों को आसान कर देती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, मतलब फ़ोन के बिना भी 20-30 साल पहले भी लोगों टेलीपैथी के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ करते थे। किसके घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, घर में मेहमान आ रहे हैं, किसी के घर में कोई खुशखबरी आ रही है, लोगों को फील हो जाता था, हम पहले भी फील करते थे। जस्ट हमने उस शक्ति को टेलीपैथी से निकाल कर टेलीफोन में आसान कर दिया है। हर कोई पहले टेलीपैथी को
प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता था, लेकिन जब से टेलीफोन आया हर कोई टेलीफोन आराम से कर पाता है, अपनी भावनाओं को कहीं भी भेज पाता है। अब आपको लगेगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चींटियों को देख लीजिए, एक चींटी को एक शक्कर का टुकड़ा मिलता है, वो अपनी टेलीपैथिक कनेक्शन भेजती है सारी चींटियों को, कहीं से भी पता चलता था सारी चींटियाँ पहुँच जाती है। कुत्ते बिल्ली हर जानवरों में टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, वो अपनी टेलीपैथिक एबिलिटी से मैसेजेस एक दूसरे को भेज पाते हैं, एक दूसरे को फील कर पाते हैं, तभी तो वो जिंदा है। आज भी टेलीपैथिक कनेक्शन को आप फील कर पाते हैं, जहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है तो आपको एक नेगेटिव वाइब्रेशन आने लगता है, कुछ बहुत ज़्यादा खुशी वाली चीज़ होने लगी, आप पहले से प्रफुल्लित महसूस करते हैं, यही है टेलीपैथिक कनेक्शन। अब आप क्लियर हो चुके हैं कि रेकी सिर्फ एक स्पिरिचुअल मान्यता है या कोई ठोस विज्ञान भी? ये एक ठोस विज्ञान है जिसे हम मान्यता के दम पे करते हैं। जब तक हमारा बिलीफ सिस्टम किसी चीज़ से ऐड नहीं होगा, जब तक हम कोई चीज़ को करने के लिए खुद से बिलीव नहीं करेंगे, कोई भी हीलिंग नहीं होगी, कोई भी चीज़ नहीं होगा। जहाँ विचार जाते हैं वहाँ ऊर्जा बहती है, तो जहाँ आप अपने विचारों को भेजेंगे वहाँ आपकी और आपके पेशेंट की ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी और वहीं हीलिंग भी होगी। अब आप ऊर्जा को किस सोच के साथ, किन विचारों के साथ, किन भावनाओं के साथ भेज रहे हैं, ये वैल्यू रखता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मदर नेचर के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। ब्रह्मांड के लिए हर चीज़ सिर्फ एक ऊर्जा है, आप भी एक ऊर्जा हो। आप अगर आपने आपको अगर आपको तोड़ा जाए ख़त्म किया जाए, पूरा फिनिश किया जाए, तो लास्ट में आपकी सेल्स बचेंगे, कोशिकाएं बचेंगे, कोशिकाओं को भी तोड़ा जाए तो लास्ट में अणु बचेंगे, एटम्स बचेंगे, और अणुओं के अंदर स्पंदन करती वाली ऊर्जा ही बचेगी। तो आप भी सिर्फ एक ऊर्जा का स्वरूप हो, हर कोई ऊर्जा का स्वरूप है, हर चीज़, मैं, ये माइक, ये फ़ोन, ये लाइट्स, हर चीज़ ऊर्जा का स्वरूप है, ये बैकग्राउंड, हर चीज़ ऊर्जा का ही स्वरूप है, हर चीज़ लास्ट में एनर्जी ही है। तो जहाँ आप अपने विचारों को भेजेंगे ऊर्जा वहीं बहेगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। आप नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों बोलते हो? जो चीज़ आपके काम आ रहा है उससे आप पॉजिटिव बोल देते हो, और जो चीज़ आपके काम नहीं आ रहा है, जो आपके काम का नहीं है, उससे आप नेगेटिव बोल देते हो। बस यही थ्योरी है आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव होने की। किसी भी शरीर में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी समय में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी विचार में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी जब सकारात्मक ऊर्जा उस तरफ भेजते हो सही तरीके से, सही सिंबल्स का इस्तेमाल करके, ये सारे दिव्य सिंबलों को जब हम इस्तेमाल करके भेजते हैं, तो ये सारे सिंबल ऊर्जा को कॉन्सनट्रेट कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं, और एक केंद्रित ऊर्जा जब वहाँ जाती है, तो विचारों के माध्यम से ऊर्जा तो वैसे भी वहाँ बहनी थी, लेकिन जब आप सिंबल के माध्यम से, रेकी में जो हम बहुत सारे टूल सिंबल सीखे हैं उनके माध्यम से ऊर्जा को जब भेजते हैं, तो वो केंद्रित होकर जाता है और सीधा उस जगह पे, उस केंद्र पर, उस पॉइंट पर जाके हिट करता है जिससे आपका काम हो जाता है। तो सीधा बात ये है कि अगर आपको रेकी नहीं भी आता है तो भी आप अपने विचारों के माध्यम से, अपने कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से, अपने फोकस के माध्यम से कोई भी चीज़ों को बदल सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो, उसकी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, जो चीज़ इसे यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो उससे आप अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने इस स्पिरिचुअलिटी और साइंस के इस डिफरेंस को समझे होंगे, आप समझ पाए होंगे कि आप जिस रेकी हीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी कोरी मान्यता नहीं है, ये एक ठोस विज्ञान है। एक एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, जो लोग रेकी हीलिंग नहीं जानते हैं, वो सिर्फ इतना करना कि बैठ के थोड़ी देर अपने हाथों को ऐसे इस तरह से रब करना, ठीक है, रब करना, आंखें बंद करके शांत होकर के रब करना, सिर्फ रब करना, और 3 बार अपने हाथों को इस तरह से मारना, और उसके बाद देखना एक वाइब्रेशन, आप दोनों हाथों के बीच में एक वाइब्रेशन फील कर पाएंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड को फील कर पाएंगे, और आप देखेंगे कि एक बॉल सा बन गया है यहाँ पे, एक ची बॉल सा बन गया है, और यही है वो रेकी ऊर्जा। आप इस ऊर्जा को आप किसी भी डायरेक्शन में भेज सकते हैं, उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ऊर्जा तो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस पे। नमस्ते है जी।